गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोगों को मैं आलू और गोभी के पराठे बनाना बताएंगे। इसके लिए मैंने लगभग एक कटोरी ये कद्दूकस कर ली है गोभी को, फूल गोभी को, और चार आलू लिए हैं, आटा लगा लिया है चार पांच पराठे के लिए, और उसके बाद जो मिर्ची है लाल मिर्च ली है एक चम्मच से थोड़ा कम, हरी मिर्ची एक काटी है, और साबुत धनिया थोड़ा लिया है, अजवाइन ली है, और जीरा और नमक और हरा धनिया। ये तो ये आलू अपन इसमें डाल लिए हैं बाउल में, और इसी में गोभी डाल लेते हैं, और गोभी डालने के बाद में अपन हरा धनिया जो अपन ने काटा है चॉप किया है वो डाल लेते हैं, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल लेते हैं, लाल मिर्ची डाल लेते हैं, जीरा, अजवाइन, हरी मिर्ची और वो जो बचा हुआ साबुत धनिया जो है वो भी इसमें डाल लेते हैं, और ये अपना अब इसको मिक्स कर लेंगे। हाथ से कर सकते हैं आप या चम्मच से, जिससे चाहें कर सकते हैं। तो ये अपन ने मसाला बना के तैयार कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने, उसके ऊपर लगाएंगे जैसे अपन ने आलू प्याज के बनाए थे वैसे ही, इसको ऐसे लेके थोड़ा आटा लगा लें इस पर, सिक जाए तब उसको पलट दें और तब घी लगाना शुरू करें इस पे। और इसको अब ये दूसरी तरफ भी पक गया है, इधर भी थोड़ा घी अपन लगा देंगे। ये देखिए पलटने में कितना बढ़िया कलर आया है इसका, थोड़ा मीडियम रखें। ये देखिए ऐसे अपना दूसरा पराठा तैयार हो रहा है। इसको भी ऐसे ही बेल लें, मेरा वो तैयार है। ये देखिए अपना बन के तैयार हो चुका है। ये अपने दूसरा रख दिया इसके ऊपर, दूसरा पराठा अच्छी तरह सिक रहा है। ये गैस को थोड़ा मीडियम रखें, ज़्यादा तेज़ ना रखें। दूसरी साइड भी तैयार हो गया है।